नमस्ते मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा बाल भारती और मोक्षायतन योग संस्थान का ये जॉइंट इनिशिएटिव जहां हम अपने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की बात करेंगे और सच भी है हम कच्ची मिट्टी को जितना सुंदर चाहे आकृति दे सकते हैं शेप दे सकते हैं लेकिन एक पके हुए घड़े की शेप चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे विद्यार्थी हमारे स्टूडेंट्स दे आर द रियल नेशन बिल्डर्स क्योंकि वही तो देश का निर्माण करने वाले हैं वही तो हमारे भविष्य का निर्माण करने वाले हैं इसलिए उनका स्वस्थ रहना तन के धरातल पर भी और मन के धरातल पर भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अनफॉर्चुनेटली विद द चेंजिंग टाइम्स टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है समय चेंज हो रहा है जीवन परिवर्तित हो रहा है और उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है और एक जो बहुत बड़ा चेंज हमारे विद्यार्थी देख रहे हैं वो है उनकी आँखों का बदलता हुआ स्वास्थ्य और उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं टू मच एक्सपोजर टू स्क्रीन टू मच एक्सपोजर टू नॉट सो मच ऑफ एक्सरसाइज क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम बैठे रहते हैं और विशेष रूप से कोई भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड या इन्वर्टेड प्रैक्टिसज नहीं करते हैं जिसका ब्लड जिससे ब्लड का सर्कुलेशन अपवर्ड हो हमारी आँखें स्वस्थ रहे आँखों को स्वस्थ रखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आँखें मन का दर्पण है पुअर आईसाइट हो जाना आँखों की ड्राइनेस ड्राउज़ीनेस यहाँ तक कि आ, कभी कभी आँखों में बहुत ज़्यादा ईचिंग होना या फिर ब्लड विजन और इसके साथ साथ जुड़ी हुई अनेक अनेक समस्याएँ फिर वो बढ़ते बढ़ते हेडेक में कन्वर्ट हो जाता है फिर कहीं ना कहीं हमें थकान होने लगती है पर हम काम करना तो बंद नहीं कर सकते लेकिन योगाभ्यास करके अपनी आँखों को स्वस्थ जरूर रख सकते हैं आज हम आपको बताएँगे कुछ ऐसे बहुत सुगम से अभ्यास जो आप सुबह घर से निकलने से पहले कर सकते हैं स्कूल में भी जब बीच में आपको अगर ब्रेक आपका लंच ब्रेक है आपका लंच हो गया उसके बाद आपको थोड़ा समय मिला है आप वहाँ इसका अभ्यास कर सकते हैं आप शाम को घर पर आकर के इसका अभ्यास कर सकते हैं रात्रि में सोने से पहले भी इसका अभ्यास कर सकते हैं पर यह ध्यान रखना है कि अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ रॉन्ग ये नहीं कि इन हर समय हम इसका अभ्यास कर रहे हैं बट जो समय आपको बताए गए जो टाइम आपको बताए गए उनमें से कोई सा भी एक टाइम सेलेक्ट कीजिए उसमें आप इसका अभ्यास कर लीजिए तो आइए सीधा सीधा आरंभ करते हैं और समझते हैं इनका अभ्यास कैसे करना है सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो करेंगे अपने पॉस्चर में स्टेबल होकर के बैठना ईदर यू कैन सिट ऑन अ चेयर दैट्स नॉट अ कम्पलशन दैट यू हैव टू सिट ऑन द फ्लोर ओनली यू कैन सिट ऑन अ चेयर बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट सिटिंग ऑन अ काउच यानी बहुत जो सोफ़ा होता है या बहुत गुदगुदा गद्दा है जिसमें आपकी कमर ऐसे धंस जाए अंदर उस पर बैठ कर के अभ्यास नहीं करना है हमें ऐसे स्थान पर बैठना है या तो ज़मीन पर बैठेंगे ताकि हमारी कमर सीधी रहेगी या फिर चेयर पर बैठेंगे और उसमें भी अपने बैक को स्ट्रेट रखना है विद्यार्थियों को ये हमेशा ध्यान रखना है कि परमात्मा ने आपको ऊंचा बनाया है हमें और ऊंचा होकर के चलना है यानी इसे झुक करके ना बैठेंगे अभ्यास करते समय ना ही नॉर्मल डे टू देट डे लाइफ में भी हमेशा अपने पॉस्चर को स्टेबल रखना है स्ट्रेट रखना है एंड कंफर्टेबल रखना है तो जब आप अपने पॉस्चर में बैठ गए तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा धूल ना हो और लाइट सामने से आंखों पर ना पड़े बेटर है कि अगर लाइट पीछे से पड़ रही हो ओके ताकि आपकी आंखों पर कोई भी उसका बैड इफेक्ट ना हो सीधे होकर के बैठेंगे राइट हैंड को इस तरह से सामने फैला देंगे कि हम राइट हैंड का जो हमारा थंब है थंब का जो नेल है और नेल का भी जो शाइनिंग पार्ट है ध्यान से सुनो राइट हैंड का थम अंगूठा अंगूठे का नाखून नाखून का भी चमकता हुआ भाग उस पर अपलक दृष्टि से ताड़ना है और ताड़ने से ही बना है त्राटक और त्राटक ही आप आज सीख रहे हैं तो सीधा बैठना और अपने अंगूठे के नाखून के चमकते हुए भाग को अपलक दृष्टि से देखना ठीक अपनी आईज को यहाँ स्टेबल करेंगे और फिर धीरे धीरे से राइट right हैंड को राइट right साइड ले जाना उतनी दूर ले जाएंगे जहां तक वो क्लियरली विजिबल है और फिर वापस ले आएंगे आंखों को बंद कर लेंगे फिर इसी प्रकार से सेम प्रोसीजर को हम अपने लेफ्ट साइड में रिपीट करेंगे ओपन योर आइज एंड टेक योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एज फार एज इट इज क्लियरली विजिबल कीपिंग योर स्ट्रेट ये ध्यान रखना ऐसे नेक नहीं होना है नेक स्ट्रेट रहेगा सिर्फ आईबॉल्स जाएंगे और फिर हाथ को वापस ले आएंगे क्लोज यइज एंड इन द मीन टाइम चेंज द पोजिशन ऑफ योर हैंड्स नाउ टेक योर राइट हैंड टुवर्ड्स राइट साइड टिल इट इज क्लियरली विजिबल एंड देन स्लोली ब्रिंग इट बैक In your practice, make sure there shall be no hurry. Fast, 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 fast food, fast living, fast exercise, fast results. That is creating so many problems. Close your eyes and just slow down at least give 10 minutes to yourself every day and trust me, these 10 minutes are going to change your life into a better, healthy, happy and more positive life. so yehamnikya first step, i have shown it to you twice each side, but when you will be practicing it every day, it has to be done at least four times each side. okay? now we are moving on to second step of Tratak सेकेंड स्टेप में भी इसी प्रकार से हाथ को सामने फैलाना है और अपने आइज को स्टेबल रखते हुए अपने अंगूठे को जितना हो सकता है अपनी आंखों के नज़दीक लाना जब कोई चीज बहुत नज़दीक होती है तो भी नहीं दिखती है बहुत दूर होती है तो भी नहीं दिखती है जहाँ तक ये क्लियरली विजिबल है वहाँ तक रोकना और फिर दूर ले जाना एंड देन जेंटली योर आइज Now we are going to repeat it from another hand that is from your left side. Why are we repeating it from other hand is so that your right hand gets some rest. Dheere dheere door le jana and close your eyes. आप इसको अच्छे से समझ सकें अच्छे से लर्न कर सकें इसलिए एक बार और हम रिपीट करेंगे bring it closer and it's not a necessity that these practices only students can do these practices even teachers are working so hard these days and it's very important that we take care of our health despite of our gender age nationality or any other differentiation pratyek vyakti yoga abhyas karke apne swasth close your eyes इसको भी हम फोर टाइम्स रिपीट करेंगे ओके सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड सेकेंड स्टेप एंड नाउ वील बी गोइंग टू थर्ड स्टेप विच इज सर्कुलर मूवमेंट ऑफ योर आई बॉल्स हाउ डू वी डू दैट? जस्ट सिट स्ट्रेट एंड ब्रिंग योर आई बॉल्स द टिप ऑफ योर नोज अपने आई बॉल्स को अपने नासाग्र पर नासिका के टिप पर ले आना सो नाउ आई एम एबल टू एट माई ओन नोज And then give a circular movement to your eyeballs. Left side, up, right side, down, again, tip of the nose and close your eyes. Now we'll be doing it anti clockwise. Tip of the nose, right side, side, up, absolutely up, left side up, left side side, left side down and tip of the nose and close your eyes so you have seen how i made a complete big circle now if you will do it in hurry it will not be done properly okay so let's do one more repetition just to clearly understand it tip of your nose left side down left side side left side up absolutely up right side up right side side right side down tip of the nose close your eyes and then anti-clockwise tip of the nose right side down right side side right side up absolutely up left side up left side side left side down tip of the nose and close your eyes now after this next step is just look at the tip of your nose for a few couple of seconds without blinking your eyes and close your eyes next step is just look at the middle of your eyebrows without blinking your eyes and close your eyes or up just step see i'm not opening my eyes in between just absolutely after finishing your practice you should never open your eyes just give some time विथ क्लोज आइज एकदम अभ्यास के बाद आँख नहीं खोलनी क्योंकि आपके आँखों को हमने एक्सरसाइज दिया अगर आप एकदम से आँख खोल देंगे तो वो आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी ठीक है अगला जो स्टेप है वो बहुत महत्वपूर्ण है देखो हम बहुत देर स्क्रीन पर काम करते हैं टेलीविजन भी देखते हैं मोबाइल लैपटॉप सो मेनी स्क्रीन्स आर देयर इन आर लाइफ दीज डेज एंड अदर इन दैट हम किताबों में भी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा आँखों का लुब्रिकेटिंग कम हो जाता है जिसकी वजह से बहुत लोग लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स भी डालते हैं कि भाई ड्राइनेस रहती है ड्राउजीनेस रहती है स्पेशली समर्स में ही और भी बढ़ जाती है तो उसके लिए स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह से अपने बिल्कुल आई लेवल पर अपने आई बॉल्स को टिकाएंगे एंड देन ब्लेंक यइज कॉन्टिनसली फॉर एटलीस्ट थर्टी सेकेंड्स इस तरह से ब्लिंक करते जाना है ब्लिंक करते जाना है आप देखेंगे जब आप ब्लिंक कर रहे हैं तो आपकी आंखों में लुब्रिकेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड देन स्टॉप एंड नेक्स्ट स्टेप अपनी हथेलियों से हम कटोरी बनाएंगे देखो ऐसे लेकिन ऐसे नहीं करना इसको स्ट्रेट नहीं करना ऐसे कटोरी जैसा सो दैट देर इज गैप फॉर योर आईज ओके And then place your palms on your eyes, keeping your eyes open. Aapki aankhe, ke andar khuli Band karna now, just feel the warmth, feel the darkness. Just stay here for a few couple of seconds and then close your eyes, remove your palms. Now, when you will remove your palms and you will close your eyes, you are going to see some light. It can be orange, it can be yellow, it can be red, or any other shade of orange, yellow, and red. Just concentrate on this light. This is called color meditation. So, this is going to give you peace of mind, better concentration, wisdom, intelligence, and absolutely good coordination of body and mind. Then, gently open your eyes. That's it. So now because I was explaining it to you, so it took so much of time. But when you will be doing it every day, it won't take more than 5 minutes or maybe just 3 minutes every day. तीन मिनट में आपकी आँखें स्वस्थ रह सकती हैं तो ये तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है हमें ये इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए दो तीन चीज़ें और सभी विद्यार्थी ध्यान रखें। दिन में दो से तीन बार हमें अपने जैसे सिंक में जाएंगे ना वॉश बेसिन में तो मुंह में पानी भर लेना ऐसे गालों को फुला लेंगे और फिर वाटर टेक वाटर इन योर पाम्स और हल्का बहुत हल्के हाथ से इस तरह से अपनी आँखों में पानी डालना है खुली आँखों में दैट्स इट 50 बार 50 टाइम्स कर लीजिए अगर लगता है कि नहीं हमको छपके मारने आते ही नहीं है देन टेक एन आई कप और आई कप तो बहुत ईजीली मिल जाता है आई कप लीजिए उसमें पानी डालिए और उसके अंदर अपनी आँख को डाल करके पूरा ऐसे रोटेट यानी आई कप में आँख को डाला और ऐसे सर्कुलर रोटेट करना है क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज ऐसे ही फिर लेफ्ट साइड में क्योंकि हमें अपनी आँखों को धोना भी बहुत महत्वपूर्ण है अपनी आँखों को एक्सरसाइज देना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इससे पहले कि हम आज का एपिसोड खत्म करें एक काम और करेंगे स्कूल में बैठे हैं घर पर बैठे हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लेंगे बहुत प्रोलोंग स्क्रीन को देख करके काम नहीं करेंगे और उस ब्रेक में क्या करेंगे अपनी विंडो के पास जाना दूर देखना जितनी दूर देख सकते हो दूर देखना और दूर तक देखना थोड़ी देर आँखों को ब्लिंक करना एंड देन अकेन स्टार्ट योर वर्क दिस वे यू आर गोइंग टू रिलैक्स एंड रीजनेट योर सेल्फ एंड देन यू विल भी वर्किंग विद मोर मोर एनर्जी एंड मोर एफिशेंसी आप सब स्वस्थ रहें सभी विद्यार्थी इन क्रियाओं का अभ्यास करें आप सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामनाएँ